ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਕਿਊ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਿਉਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ और बुद्धिज्म तो बाद जैनिज्म ये पूरी तरह कंप्लीट कर दिए गए हैं, जिस दे विच फुल फ्लैज थ्योरी दी दो वीडियोस और एक एमसीक्यू दी वीडियो जिहड़ी आ उह तुहानूं देखण नूं मिलेगी। तुसीं जाके विजिट कर सकते हो इस चैनल ते माइंड कोश। अज जो अपना टेस्ट है वह है मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जैनिज्म का, तो बिना देरी शुरू कर दें। देखो पहला क्वेश्चन है अपने कोले कि जैन धर्म के साहित्य नू की कहा जाता है, जैन धर्म का जो लिटरेचर है उस नू की कहा जाता है। देखो जैन धर्म के लिटरेचर नू अगम कहते हैं, और अगम का मतलब की है? देखो अगम का मतलब है सिद्धांत। जिस तरह आप बुद्धिज्म के विच डिस्कस करते हैं कि बुद्धिज्म के विच जो तीन किताबा ने विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिदमा पिटका, उन्होंने जो इकट्ठा करके की बनाया गया सी, त्रिपिटक बनाया गया सी। सेम उस तरह ही जैन साहित्य के विच बुक्स नू इकट्ठा करके अगम किया जाता है, और इन्हों अगम का मतलब की है? इस अगम का मतलब है सिद्धांत। जैन धर्म का शुद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? देखो जैन धर्म के जो ओरिजिनल लिटरेचर है, जो स्टार्टिंग दे विच जो ओरिजिनल लिटरेचर लिखा गया वह एक्चुअल दे विच केड़ी भाषा दे विच लिखा गया सी? तो देखो जो स्टार्टिंग दे विच जो ये लिटरेचर लिखा गया ये अर्ध मगधी दे विच लिखा गया सीगा। ये अर्ध मगधी जो है ये प्रकृतिक भाषा का ही एक रूप है, और इस दे विच जैन धर्म का जो ओरिजिनल लिटरेचर है वो लिखा गया। अगर तुहानू पुछ लैन कि बुद्धिज्म का ओरिजिनल लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया, तो वह पाली भाषा दे विच लिखा गया सीगा। और इस जैन धर्म के लिटरेचर दे विच अगर आपां अगम की गल करिए, तो इस अगम दे विच कई तरह का लिटरेचर तुहानू देखण नू मिलेगा, जिहदे विच आपां गल करदे हैं 12 अंग दी, फिर उस तो बाद 12 उपअंग, फिर उस तो बाद अपने कोले 10 परिक्रम, फिर उस तो बाद अपने कोले 6 छंद सूत्र ने इहदे विच, ये सब तुसी याद रख सकते हो। फिर 4 मूल सूत्र ने, 2 सूत्र ग्रंथ ने, और 14 पूर्व ने। तो ये सारिया किताबा सारिया लिटरेचर मिलके अगम बंद है, ठीक है। जैन धर्म नाल संबंधित ग्रंथ कल्प सूत्र किस द्वारा रचित है? देखो जैन धर्म दे विच जो किताबा ने वो काफ़ी किताबा ने, ठीक है। इन्हां तो इलावा भी बहुत सारा ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया, जिहदे विच एक कल्प सूत्र नाम की किताब है जो किसने लिखी है। तो देखो ये जो कल्प सूत्र वाली किताब है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है बद्र बाहू ने, याद रखना है किसने लिखी है? भद्रबाहू ने, और ये जैन धर्म की जानकारी प्रोवाइड करती है। तो इस दे विच जैन धर्म की जानकारी जिहड़ी है वह दित्ती जाती है। अगर आप हेमचंद्र की गल करिए, तो हेमचंद्र ने भी एक किताब लिखी है, उसका नाम की है? उसका नाम है प्रशिष्ट परवन, प्रशिष्ट परवन। तो ये भी तुसी याद रख सकते हो। और फिर सुद्रा स्वामी, इन्होंने भी एक किताब लिखी है, वह है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। तो ये कुछ किताबा ने जो थोड़े लिए बहुत इंपॉर्टेंट ने, तुसी याद रख सकते हो। और भी कई किताबा ने जिवें न्याय धम्म है, ठीक है। और सुद्रा स्वामी की अगर आप गल करिए, जो सुद्रा स्वामी ने यह भगवती सूत्र जो लिखा है, ठीक है, इस दे विच की है? इस दे विच महावीर की, महावीरा की जानकारी मिलती है, जीवन की जो है वह जानकारी तुहानू देखण नू मिलेगी। और ये जो प्रशिष्टि प्रवन है इस दे विच जैन धर्म के सिद्धांत जिहड़े हैगे आ उह तुहानू मिलणगे। तो ये कुछ चीज़ा, कुछ कंसैप्ट जो तुसी याद रखने।
जैन ग्रंथों विचों केड़े ग्रंथों विच चंद्रगुप्त मौर्या बारे जानकारी मिलती है? देखो अपने कोले दो किताबां तुसी याद रख सकते हो, एक तो प्रशिष्ट प्रबंध और एक भद्रा बाहु चरित। ठीक है, प्रशिष्टि प्रबंध आपा पहला भी गल की है कि यह प्रशिष्टि प्रबंध जो ये हेमचंद्र द्वारा रचित है, और अगर आप गल करिए जो भद्रा बाहु चरित्र है ये किताब रत्नानंद द्वारा लिखी गई है, जिन्हां दोनों दे विच ही तुहानू जिहड़ा हैगा वह चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह 3 बनेगा, ये तुसी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य विच सब तो पुराना अते पहला साहित्य केड़ा है? तो देखो जैन धर्म की गल करिए तो जैन धर्म के विच जो पहला अते पुराना जो ग्रंथ है, जो साहित्य है, लिटरेचर है, वह केड़ा है? तो वह है 12 अंग। ओल्ड लिटरेचर के रूप में आप 12 अंग जोड़े है उन्होंने याद रखना है। ऋग्वेद विच किस जैन तीर्थंकर का जिक्र मिलता है? देखो जैनिज्म दे विच टोटल जो तीर्थंकर मिलते हैं वह 24 तीर्थंकर ने, जैनिज्म दे विच टोटल 24 तीर्थंकर ने, और इन 24 तीर्थंकर दे विचों केड़े वह तीर्थंकर ने जिन्हों की जानकारी तुहानू ऋग्वेद दे विच मिलती है? तो वह 2 ने, ऋषभ देव ने और अरिष्ट नेम ने। अरिष्ट नेमी जो है ये 22 मई तुसी कह सकते हो कि तीर्थंकर ने, और ऋषभ देव जिहड़े है वह पहले ने। तो इन्हां दोनों की जानकारी तुहानू जिहड़ा है वह ऋग्वेद विच देखण नूं मिलती है, इंपॉर्टेंट है, तुसी ये याद रख सकते हो। उस तो बाद ऋषभ नूं विष्णु पुराण अते भगवत पुराण विच किस अवतार दा दस्या गया है? तो देखो अगर आप गल करिए कि ये जो ऋषभ देव ने, ठीक है, विष्णु पुराण दे विच अते भगवत पुराण दे विच इन्हां नूं किसका अवतार मन्या जाता है? तो देखो ये नारायण का अवतार इन्हां नूं जिहड़ा हैगा वह मन्या जाता है। तो यह भी क्वेश्चन तुहाडे लई इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आई थिंक इस स्लाइड तुहानूं समझ आ गई होगी। उस तो बाद अपने कोले क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किस नूं मन्या जाता है? देखो जैन धर्म के विच मैं तुहानूं दस्सिया कि 24 गुरु ने, 24 गुरुआं के नाम फिलहाल तुहानूं याद रखने की लोड़ नहीं है, तुसी सिर्फ ऋषभ देव का नाम, ठीक है, इन्हों का सिंबल भी तुसी याद रखना है, इन्हों का सिंबल से बलद, फिर दूसरे अजीतनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट ने, पूछ ले जाते हैं, और इन्हों अजीतनाथ का सिंबल से हाथी, ठीक है, ये 2 तो याद रखने ने, और लास्टली तुसी याद रख सकते हो नेमीनाथ, ठीक है, ये 22 मई, ठीक है, जिन्होंने आप मतलब अरिष्ट नेम के नाम भी याद करते हैं। तो इन्हों का सिंबल सेगा जी अपने को संख, फिर उस तो बाद 23 मई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, हालांकि इन्हों आप डिस्कस करना है, वह है जी अपने को पार्शवनाथ, पार्शवनाथ, और पार्शवनाथ का सिंबल है स्नेक, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुसी डिस्कस करने ने वो है 24 मई तीर्थंकर। 24 मई तीर्थंकर बारे आप अगे डिटेल पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक फिर किन्हां नूं मन्निया जांदा है? तो जैन धर्म के संस्थापक मतलब पहले गुरु मतलब ऋषभ देव नूं मन्निया जांदा है, और ऋषभ देव का सिंबल बुल जिहड़ा है उन्हां नूं मन्निया जांदा है कि बुल इन्हां दा सिंबल है। तो आई थिंक ये चीज़ तुहानूं समझ आ गई है। देखो टोटल 24 तीर्थंकर ने, बट तुसी 24 नहीं पढ़ने, तुसी 3 पढ़ने ने, पहला, ठीक है, फिर दूसरे अते 23 मई, इन्हां तिन्हां बारे आप डिस्कस करना है। वर्तमान महावीर ने किन्ने साल की उम्र में घर त्याग किया? देखो वर्तमान महावीर अते उन्हां दी जो फैमिली सी वह पहला ही किन्हां नूं मंदी सी? तो पहला ही पार्शवनाथ नूं मंदी सी, लेकिन वर्तमान महावीर चाहते सी कि वह पार्शवनाथ के शिष्य बन जाए और दुनियादारी का त्याग करके मतलब सन्यासी बन, बट इन्हां दे माता पिता ने ऐसा नहीं होन दिता, जिस करके जदों इन्हां दे माता पिता की डैथ होंदी है मतलब 30 साल दे सीगे जो इन्हां दे माता पिता की डैथ हुई, तो 30 साल की उम्र में फिर ये असैटिक होंगे ने, ये अपना घर बार जिहड़ा हैगा वह छड के जाते हैं। तो इतने तुसी याद रख सकते हो कि 30 साल की उम्र के विच इन्होंने अपना घर जिहड़ा सीगा वह त्याग किया सीगा। अगर वर्तमान महावीर की आप गल करिए तो इन्हों के जो फादर सीगे उन्हों का नाम की सी? देखो फादर का नाम सीगा सिद्धार्थ, जो कि जंत्रिका कबीले के हैड सीगे, और अगर डायनेस्टी पूछ लैन तो वह इक्ष्वाक इन्हों की डायनेस्टी से, इंपॉर्टेंट है याद रखना, इक्ष्वाक
इन्हां दी डायनेस्टी से। इन्हां दी जो मदर सीगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कबीले तो आती है। इन्हां दी मदर, इन्हां दी जो मदर है उन्हां दा नाम है त्रशिला, और ये जो कबीला है इन्हां दा, जो त्रशिला जो राजकुमारी है ये लिच्छवी दी राजकुमारी है। मैं तुहानूं थ्योरी दे विच दस्सिया कि जो लिच्छवी महाजन पद से बहुत ज़्यादा अमीर महाजन पद सीगा और इसकी कैपिटल भी विशाली होया करती सी। तो ये पॉइंट तुसी याद रख सकते हो। अगर आप इन्हां दी वाइफ की गल करिए तो इन्हां दी वाइफ का नाम है यशोदा। जदों के आप बुद्ध बारे गल की, महात्मा बुद्ध की वाइफ का नाम से यशोदरा और इन्हां दी वाइफ का नाम है यशोदा। बुद्ध के घरे लड़का पैदा होया राहुल, जदों के इन्हां दे घरे एक डॉटर जो है वह पैदा हुंदी है जिसका नाम रख्या गया सीगा प्रिय दर्शाई ने, और इन्हां दे पहले शिष्य भी बनते हैं। शायद मे भी अगे क्वेश्चन होएगा, बट मैं तुहानूं दसदा कि यह जो जमाली ने यह पहले शिष्य बने सीगे वर्धमान महावीर दे। ज्ञान प्राप्ति तो बाद वर्धमान महावीर की कहलाए? तो देखो ज्ञान प्राप्ति दे विच इन्हां नूं मिलदा है कवल्या। कवल्या मतलब केवल ज्ञान, और ये ज्ञान प्राप्ति करन तो बाद ये जिन कहलाए, मतलब जितेंद्रिया कहलाए। जितेंद्रिया का मतलब की होंदा है? देखो जितेंद्रिया का मतलब है कि इंद्रिया नूं जितन वाला, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति तो बाद वर्धमान महावीर जिन जिहड़े सीगे वह कहलाए सीगे। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कित्थे दिता? तो देखो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह दे विच दिता सी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई, तो यह पॉइंट तुसीं याद रखना। तुसीं मैनूं कमेंट करके दस सकदे हो कि बुद्धिज़म दे विच गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कित्थे दिता सी। जैन धर्म के तीन रत्नों विचों इन्हां विचों केड़ा रत्न नहीं है? देखो जैन धर्म के रत्नों की गल करिए तो जो तीन रतन इंदे विच डील किए जाते हैं वह केड़े केड़े ने? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। लेकिन जो एक ऐड नहीं किया जाता वह है अपने कोले सही धम्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है फोर। एक्चुअल दे विच ये जो राइट पिलर है ये बुद्धिज़म दे विच आपां पिलर दे विच डिस्कस करते हैं। बुद्धिज़म दे तीन पिलर आपां पढ़ते हैं, ठीक है। वह है अपने कोले बुद्धा, ठीक है, फिर दूसरा धम्मा और तीसरा संघा। तो ये तीन पिलर आप जड़े है वो बुद्धिज्म दे विच पढ़े। लेकिन तीन रतन की अगर गल करिए, सही विश्वास, राइट बिलीव, ठीक है, सही ज्ञान अते सही आचरण की अगर गल करिए तो वह तुहानू जैनिज्म दे विच देखन नू मिलेंगे। आई थिंक तुहानू ये चीज़ समझ आ गई होगी। जैन धर्म किस कौंसल दे विच दो भागों दे विच वंडिया गया? देखो जैनिज्म दियां दो मीटिंग्स हुंदियां हैं और इन्हां मीटिंग्स नूं ही आपां कौंसल्स जिहड़ा हैगा उह बोलदे हैं। तो दो मीटिंग्स होईयां सीगियां और इन्हां दो मीटिंग्स दे विच ही जो जैनिज्म है वह दो पार्ट्स दे विच वंडिया जांदा है। और कि मीटिंग है? तो फस्ट मीटिंग है जिहड़ी जो पाटलीपुत्र दे विच होई सी, ठीक है। पाटलीपुत्र दे विच जो फस्ट मीटिंग हुई, इस मीटिंग दे विच जैन धर्म जिहड़ा सीगा वह दो पार्ट्स दे विच डिवाइड हो जाता है। और अगर तुहानूं पुछ लैन कि फस्ट मीटिंग दे प्रेजीडेंट कौन सीगे, फस्ट मीटिंग सी इसदे प्रेजीडेंट कौन सीगे, तो वह सीगे जी अपने कोले सथूला भद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सथूला भद्रा, ठीक है। अगर आप महावीर दे बारे थोड़ा होर तुहानू मैं दसा इन्हां दी जीवनी बारे, तो वर्धमान महावीर का जन्म 599 BC दे विच, कहिंदे ने कि इन्हां दा जन्म जिहड़ा सीगा वह 599 BC दे विच इन्हां दा जन्म जो सीगा वह होया सीगा। और बहुत सारिया थावां ते 540 BC भी जिहड़ा हैगा वह लिखिया। अच्छा कित्थे होया? तो इन्हां दा जो जन्म सीगा वह कुंडल ग्राम, ठीक है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार दे विच इन्हां दा जन्म हुंदा। हालांकि इन्हां दी डैथ पटना दे विच होई सी, तो याद रख लियो बिहार दे विच जन्म और पटना दे विच इन्हां दी डैथ जिहड़ी है वह हुंदी है, ठीक है। और मैं तुहानूं कहा कि 30 साल की उम्र में इन्हां ने जिहड़ा सीगा वह अपना घर त्याग किया सीगा, ठीक है। देखो वर्धमान महावीर ने 30 साल की उम्र में अपना घर त्याग किया और 13 साल तो बाद इन्हों ज्ञान की प्राप्ति होंगी है जिन्होंने कवल्या बोलते हैं, ठीक है। हुण इत्थे जो इन्हों ज्ञान की प्राप्ति हुई सी वो कित्थे हुई सी? तो याद रखना रिजू पालिका नदी, ठीक है, और रिजू पालिका नदी के कंडे ते ही एक अपने कोले जिब्रिक ग्राम, ठीक है, नाम का एक नगर सीगा। उस नगर के बार बार इन्होंने तपस्या की। हालांकि तपस्या संबंधित एक होर स्टोरी अपने को है कि महावीर अते
महावीरा आते इन्हां दे नाल ही एक साथी होया करदे सन मखली गोसा। तो इन्हां दोनों ने ही तपस्या करनी शुरू की सी, लेकिन 6 साल बाद ये जो मखली गोसाल सी इन्हां ने आजीविका धर्म नू ज्वाइन कर लिया सी, लेकिन महावीर स्वामी हजे होर 7 साल तपस्या करते ने। तो 13 साल बाद इन्हां नू ज्ञान प्राप्ति हुई, तो मतलब कैवल्या प्राप्त होया और इन्हां ने जैनिज्म नू ज्वाइन किया। एक्चुअल दे विच जो निर्वाणा कहिंदे ने ना, ये निर्वाणा जैनिज्म दे विच डेथ नू बोलदे ने, ठीक है। बुद्धिज्म दे विच ज्ञान प्राप्ति नू ही निर्वाणा बोल दिता जाता है, लेकिन जैनिज्म दे विच जो ये निर्वाणा दा कॉन्सेप्ट है वह डेथ नू कहा जाता है। डेथ दे विच अपने शरीर का त्याग करते हैं, मतलब सेल्फ सलवेजन करते हैं, अपने शरीर का खुद ही त्याग कर देते हैं। तो कुछ फैक्ट ने जो आप करने ने, देखो जो क्वेश्चन ने मैं थ्योरी के सारी डिटेल तुम्हें तो करवा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने जो एग्जाम आए हुए ने और आन दे बहुत ज्यादा चांसेस ने। तो ये क्वेश्चनों के हर चीज जो क्वेश्चन के रूप में आप ऐड नहीं कर सकते, इस करके मैं इसकी पूरी डिटेल तुम्हें दसता पाया। अगला क्वेश्चन है, अपने को जैन धर्म दियां दो शाखावां केड़ी शाखा दे जैनी चिट्टे कपड़े पहनते सन। मैं तुहानू कहा कि जैनिज्म दो पार्ट्स दे विच डिवाइड हो जाता है। पहला तो वह दो पार्ट केड़े केड़े ने, तो एक अपने कोले वो पार्ट है जी दिगंबर और एक वो पार्ट है जी अपने कोले शिवतंबर। तो एक अपने कोले हुंदा है दिगंबर और एक हुंदा है अपने कोले शिवतंबर। दिगंबर हमेशा नग्न रहिंदे ने और शिवतंबर एक्चुअल दे विच वाइट कपड़े पाते हैं, वाइट क्लोथ पाते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया शिवतंबर। लेकिन एक ग्रुप है जो शिवतंबर का जो ग्रुप है, इन्हों ग्रुप के गुरु कौन ने? सथुला भद्रा, ठीक है। तो ये अपने कोले सथुला भद्रा। और अगर आप गल करिए दिगंबर की, तो दिगंबर के ने भद्रा बाहू, ठीक है, भद्रा बाहू। भद्रा बाहू जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य मौर्या साम्राज्य के फाउंडर भी रहे, तो चंद्रगुप्त मौर्या भी जोड़ा वो ज्ञान दिता से भद्रा बाहू, और चंद्रगुप्त मौर्या के गुरु रहे ने भद्रा बाहू। तो यह पॉइंट भी तुसी थोड़ा याद रखना है। दूजी जैन कौंसल कित्थे हुई? तो देखो जो दूसरी जैन कौंसल हुई ये वल्लभी दे विच, वल्लभी जो एरिया है गुजरात का एरिया सीगा, और ये जो वल्लभी नाम का एरिया है, इस वल्लभी नाम के एरिए दे विच जो ये मीटिंग हुई, इसके प्रेजिडेंट कौन सीगे? तो ये भी तुसी याद रखना है, इसके जो प्रेजिडेंट सीगे वो सीगे देवराधी, या जिन्हों ज़्यादातर जोड़ा हैगा वह देवा राधी, और एक नाम होर है इन्हों का, ठीक है, कशस यमुना के नाम भी इनू जाने जाता है, ठीक है। नॉम थोड़ा जा टफ है बट तुसी याद रख सकते हो। जैन धर्म विच किन्ने मूल सूत्रां तो आप गल की कि अगम और अगम दे विच जाने के कुछ ग्रंथ ऐड किए गए हैं, जिन्हां विचों एक ग्रंथ है मूल सूत्र, और किन्ने मूल सूत्र है? तो 4 मूल सूत्र है, ये आप गल उपर करके भी आए हैं। इन्हां विचों केड़ा राजा जैन धर्म का अनुयायी नहीं सी? तो देखो किन्हां ने जैन धर्म नूं मन्निया, जैन धर्म नूं एक्सैप्ट किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म नूं मनते ने, खारवेल जो कलिंगा का राजा सीगा, कलिंगा रूलर सीगा, इसने भी जैन धर्म नूं अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का राजा सी, इसने भी, चंद्रगुप्त ने भी, मौर्य ने भी जैन धर्म नूं अपनाया। लेकिन अशोक ने एक्चुअल दे विच बुद्ध धर्म नूं ज्वाइन किया सी, ठीक है, अशोक ने बुद्ध धर्म नूं ज्वाइन किया सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह 4 बनेगा, क्लियर। बाहुबली गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा मूर्ति मिली है? तो देखो बाहुबली गुमतेश्वर की पहले तो गल करिए, तो ये ऋषभ देव के बेटे मने जाते हैं, और इन्हों की मूर्ति आपू कर्नाटका दे विच मिली है, और कर्नाटका दे विच भी अगर आप अगे गल करिए, तो कर्नाटका दे विच शेरवन बेल गोला नाम की जगह पर, गोला नाम की जगह पर इन्हों की प्रतिमा जी देखने मिलती है। महावीर स्वामी नूं ज्ञान प्राप्ति का संबंध, देखो महावीर स्वामी नूं जो ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है एक कवल्या कहलांदे, ठीक है, और जो डेथ हुंदी है इन्हां दी उसनूं निर्वाण बोलते हैं। तो डेथ नूं ये निर्वाण बोलते हैं, तो याद रखना है वर्धमान महावीर नूं जो कवल्या मिलिया सी, केवल ज्ञान मिलिया सी, रिज्जू पालका नदी, ये भी तुसी याद रखना। पंज वर्तां विचों किहड़ा वर्त वर्धमान महावीर ने शामिल किया? देखो पहला तो जो पहले 4 वर्त है, ठीक है, पहले 4 वर्त जो है अहिंसा, ठीक है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, और पराई चीज ते अपना हक ना जताना, ये पार्शव
नाथ ने ये चार टीचिंग दित्तियां, लेकिन जो एक टीचिंग ऐड कीती वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो एक नवी टीचिंग ऐड कीती वो ब्रह्मचर्य। तो ये जो पंजवा वर्त ऐड कीता सीगा, पंजवा जो वर्त ऐड कीता ये किन्ना ने कीता, ये वर्धमान महावीर ने कीता, और पंजवा वर्त केड़ा है, ये है ब्रह्मचर्य। तो ये भी पॉइंट तुसी याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्धमान महावीर इन्हां विचों किस राजे दे समकाली सी? देखो इत्थे क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है। वैसे तो महावीर जेड़े है ओह गौतम बुद्ध अते बिंबिसार, बिंबिसार मतलब जो मगध का पहला राजा, मगध की डायनेस्टी हरनिका का पहला राजा सी। ठीक है, तो ये दोनों दे ही कॉन्टेंपरेरी ने, मतलब महावीर, गौतम बुद्ध अते बिंबिसार, ये तीनों ही कॉन्टेंपरेरी ने, इको सदी दे ने। पर इतने क्वेश्चन उन्होंने की पूछे कि राजे का कौन समकाली, मतलब इतने राजा दसना है। ठीक है, तो राजा उदयन बहुत बाद में आया, गौतम बुद्ध राजे नहीं सी, तो इस करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिंबिसार जिहड़ा हैगा ओह बनेगा। तो ये क्वेश्चन तुसीं जिहड़ा है वो याद रखना है। इन्हां दे कुछ मंदिर तुसीं याद रख सकते हो, काफ़ी इन्हां दे इंपॉर्टेंट मंदिर ने और बहुत पुराने मंदिर जिहड़े है वह मन्ने जाते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कित्थे है? वो राजस्थान दे विच है और माउंट आबू दे विच तुहानू देखने को मिलेगा, ये तुसीं याद रखना है। फिर उस तो बाद है अपने कोले विमल वसाही, ठीक है, तेजपाल मंदिर, तेजपाल मंदिर, ये दोनों मंदिर भी माउंट आबू राजस्थान के विच हैगे ने। और उस तो बाद आप गल करिए, एक है अपने कोले गिरनार अते पालीताना मंदिर, पालीताना मंदिर, और ये मंदिर तुहानू मिलेगा कित्थे? गुजरात के विच। ठीक है, और ज़्यादातर तुहानू पता है जैनिज्म नू ट्रेडर व्यापारी वर्ग जो है वह ज़्यादा इसनू ज्वाइन करता है। उस तो बाद अपने कोले आ गया भंडासर जैन मंदिर, बंदा शाह जैन मंदिर, ये दोनों मंदिर तुहानू बीकानेर राजस्थान दे विच देखण नू मिलणगे। एक होर तुसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कीर्ति कीर्ति संबंध कीर्ति स्तंभ सॉरी कीर्ति स्तंभ भी तुसी याद रखना है। ये तुहानू चितौड़ दे किले चितौड़ दे किले दे विच मिलेगा राजस्थान दे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट ने, ये भी तुसी याद रखने ने। और तुहानू पता है कि जैनिज्म नॉर्थ अते साउथ दे विच जिहड़ा हैगा वह फैलिया, और नॉर्थ दे विच इसनू फैलाउण की गल करिए तो बिंबिसार, आजाद शत्रु, उदयन जो कि हरनिका डायनेस्टी के राजे से, फिर नंद वंश के राजे चंद्रगुप्त मौर्या, बिंदुसार, खारवेल, इन सारे ने नॉर्थ इंडिया के जैनिज्म नू डिवेलप किया। अगर मैं साउथ की गल करा तो वह अपने को कदंब अते गंग राजवंश के राजे, फिर अमोघवर्ष, ठीक है, अमोघवर्ष राजा, राष्ट्रकूट राजा, ठीक है, फिर उस तो बाद सिद्धराज, ठीक है, सिद्धराज जय सिंह आई थिंक, ठीक है, इन्होंने मतलब जैनिज्म नू जिहड़ा सीगा वह ज्वाइन किया सी और अपने साम्राज्य दे विच जिहड़ा सीगा वह डिवेलप करवाया। ठीक है, ये सीगे तुहाडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैनिज्म दे। ठीक है, तो ये तुसी याद रख लेने ने। और अज दे सैशन दे विच बने रहने दी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल लाइक सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो, ता जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानू तुरंत मिल सके। तो थैंक यू।